हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन और आज मैं आपके लिए आया हूँ। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट इस्तेमाल करते हैं तो आपको बिना कुछ किए कैसे पॉइंट मिलते हैं, जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि रिचार्ज कर सकते हैं, कुछ भी सामान परचेस कर सकते, कुछ भी। तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले प्ले स्टोर में चले जाइए। प्ले स्टोर में क्लिक करने का, वहाँ पे आपको ऊपर सर्च करना है SBI Rewardz। सर्च करने के बाद ये वाला एप्लीकेशन आपको मिलेगा, स्टेट बैंक ऑफ रिवार्ड्स बराबर। ये मैं पहले से ही मेरे मोबाइल में डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको ये सब स्क्रीन पे दिखाई देगा और आपको अकाउंट में लॉगिन करना है। पहले से मैं तो सब कुछ किया हुआ, इसे लॉगिन किया हुआ, इसलिए सीधा मेरा अकाउंट यहाँ पे खुल जाएगा। अगर आप नए पहली बार इस्तेमाल करें तो आपको लॉगिन करना होगा SBI लॉगिन करके। जो आप मोबाइल नंबर बैंक में दिए हुए उसको उसमें डालना है, जैसे जैसे आगे बताते जाए वैसे वैसे आपकी सब डिटेल उसमें देना है। उसके बाद ये लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा उसके बाद इसमें आपको पॉइंट मिलना शुरू हो जाता है। जैसे आप सब इस्तेमाल कर ही रहे होगे, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, कहीं पे भी ऑनलाइन परचेस करते हो, कोई शॉप पे परचेस करते हो, पेट्रोल पंप पे जाते हो, पेट्रोल डलवाते हो, डीजल डलवाते हो, एवरीथिंग, कुछ भी अगर आप क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो तो उसका हर एक सामान का अलग अलग पॉइंट यहाँ पे आपको मिलता है जो इसमें ऐड होता है। अगर आप ये एप्लीकेशन नहीं इस्तेमाल कर रहे तो आपको वो नहीं मिलता है। वैसे मिलता है लेकिन आपको मालूम नहीं रहेगा कि ये पॉइंट मुझे मिल रहा है, तो आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वो सारे के सारे पॉइंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। जैसे ये हो गया, यहाँ पे मेरा नाम और मेरा सब डिटेल दिखा रहा है। अभी मेरे पास 149 पॉइंट पड़े हुए हैं, मतलब 37 रुपीज़ है। 37 रुपीज़ का कोई भी सामान मुझे परचेस करना है तो मैं कर सकता हूँ बिना एक रुपया भी खर्च किए हुए। यहाँ पे मैं गिफ्ट कार्ड कर सकता हूँ, रिचार्ज कर सकता हूँ, मूवी टिकट ले सकता हूँ, मर्चेंट्स कोई भी उसके मर्चेंट है वहाँ से सामान ले सकता हूँ, फ्लाइट बुक कर सकता हूँ, जेट एयरवेज में बुकिंग कर सकता हूँ और बहुत कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं आपको अपना स्टेटमेंट दिखाता हूँ। ये माई अकाउंट में जाने पर आपको अपना स्टेटमेंट दिखाई देगा कि आपको ने कहाँ कहाँ किस किस तरह से पेमेंट किया है, और उसका सामने पॉइंट दिखाई देगा कि आपको कितना कितना मिला है। ये एक्सपायर है, कब आपका वो पॉइंट पूरा होगा उससे पहले आपको उसको इस्तेमाल करना है। वो पॉइंट लिखा होगा उसके सामने वो डेट दिखाई देगी, बीच में है डेट मीट, उसमें जो मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ पॉइंट उसकी डिटेल आपको दिखाई जाएगी। यहाँ पे मैं एक मोबाइल नंबर पे रिचार्ज किया हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है सक्सेसफुल 44 का रिचार्ज मैं किया हुआ है जो इस पॉइंट में से काट लिया गया है। उसके बाद ये माई प्रोफाइल है, वहाँ पे आपका सब कोई भी जो हमारे वो सब दिखाई देगा कि आपकी जो जो डिटेल है वो सब आपकी डिटेल वहाँ पे दिखाई जाएगी। आपको पासवर्ड चेंज करना है तो वो भी हो जाएगा आपका अकाउंट में। मैं आपको जैसे दिखा चुका हूँ, यहाँ पे आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि सामने वाले को अगर पता ना हो तो इस्तेमाल कर सके। और यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन है, उसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कौन कौन सी चीज़ है, किस किस पॉइंट में, यहाँ पे टैप फुल मार्क है, देखिए है, यहाँ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यह व्यू ऑल प्रोडक्ट है, देखिए कैटलॉग आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपको कौन सा सामान लेना है, सब पूरा का पूरा डिटेल है। ये सेल में क्लिक करूँगा तो सामने आपको प्राइस दिखेगा 540 रुपया है, उसके सामने पॉइंट है 2160। अगर आपके पास 2160 पॉइंट है तो आप परचेस कर सकते हो बिना एक रुपया भी खर्च किए, क्योंकि वैसे भी आप खर्च तो करते हो, क्रेडिट कार्ड कहीं भी इस्तेमाल करते हो, उसका पॉइंट इसमें ऐड होता है और वही पॉइंट से आपको दूसरी बार खरीद करने का मौका मिलेगा। एक बार तो आप कर ही चुके हैं, प्लस एक्स्ट्रा समझ लो कि आपको गिफ्ट में दिया जा रहा है, लेकिन आपको अगर पता नहीं है तो ये गिफ्ट नहीं मिलता है। इसके लिए आपको ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में लेना पड़ेगा और उसके अंदर आपके अकाउंट की जो भी डिटेल है वो सब देनी होगी। देखिए यहाँ पे पूरा लिस्ट है, जो भी सामान आप लेना चाहते हो सब ले सकते हो। सामने उसका प्राइस भी लिखा है, MRP कितना है वो भी लिखा है, और आपको कितने पॉइंट आपके पास पड़े उसे आप
ले सकते हैं। उसमें से कोई भी सामान आप लेंगे, उसके सामने ऐसे क्लिक कर देना, वो आपका पॉइंट होगा, उसमें से कट जाएगा और वो सामान आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही मैं आपको और जानकारियाँ देता रहूँगा, तो मेरे साथ लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।